I am soul, point of light. मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु आत्मा और एकदम शुद्ध ऊर्जा शुद्ध एनर्जी मैं परमात्मा की बच्ची हूँ और परमात्मा के निमित्त तो अभी मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा का बच्चा तो अभी मैं प्राप्त करना चाहती हूँ और फिर पूरे विश्व के साथ वो बांटना चाहती हूँ जिससे की सेवा हो सके उस हर एक जरूरतमंद की जिसको की अभी जरूरत है मदद की सबसे पहले मैं बाबा से अनुभव करती हूँ उसका प्यार उसका स्नेह परमात्मा स्नेह then I share God's love. और फिर परमात्मा का स्नेह मैं बांटती हूँ पूरे विश्व की हर एक आत्मा के साथ एक्सपीरियंस गॉड्स लाइट मैं परमात्मा का प्रकाश उसकी रोशनी को भी अनुभव करती हूँ और फिर परमात्म प्रकाश को बांटती हूँ सभी आत्माओं को पूरे विश्व में एक्सपीरियंस गॉड्स पावर अभी परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करती हूँ और फिर परमात्मा शक्तियों को भी बांटती हूँ सभी के साथ सभी आत्माएं पूरे विश्व में I take God's... अब मैं परमात्मा से शांति अनुभव करती हूँ प्राप्त करती हूँ और फिर परमात्मा शांति को भी बांटती हूँ परमात्मा की ज्ञान परमात्मा की समझ And I share that. और फिर वो ज्ञान में सभी आत्माओं के साथ बांटती हूँ गॉड्स ब्लेसिंग फिर परमात्मा के वरदान सबको दुआएं भेजती हूँ सबको दुआएं बांटती हूँ परमात्मा की पवित्रता और फिर हर आत्मा के साथ इस पवित्रता को बांटती हूँ I... तो अभी मैं इस अनुभव में रहती हूँ कि परमात्मा से कितनी प्राप्तियां हो रही हैं और ये सभी प्राप्तियां सभी आत्माएं जितनी भी इस विश्व की आत्माएं हैं सबको बांटती हूँ तो अभी हम सब बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा की दृष्टि के द्वारा अपने आप को भरपूर करेंगे स्वयं को भरपूर करके औरों की सेवा करेंगे व्यक्ति पर ओम शांति ओम शांति हम सभी बहुत चिंतन मंथन कर रहे हैं और बहुत चीजों की महसूसता भी हो रही है और साथ साथ अनुभव भी कर रहे हैं experiencing... और हम अपने सब अपने अंदर परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं उन्नति कर रहे हैं और बहुत निरंतरता से सब कुछ कर रहे हैं तो आज हम जो चिंतन करेंगे वो ये कि पवित्रता का जो संबंध है योग के साथ और सेवा के साथ तो पवित्रता कैसे संबंधित है योग और सेवा के साथ और पवित्रता को कैसे हम अनुभव करें अपना जन्म सिद्ध अधिकार की तरह बाबा से हमें कैसे वरदान मिला है पवित्रता का जब बाबा कहते हैं मैं जानती हूं जब बाबा ये कहते हैं कि आप आपका भी अलौकिक जन्म हुआ है और जन्म लेते ही जन्म के साथ ही आपको निरंतरता रखनी है आपकी जो याद है वो अव्यभिचारी होनी चाहिए तो हम में से कई सोचते हैं कि ऐसा तो होता नहीं कभी कभी होता है सदा तो नहीं होता तो बाबा तो सदा की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ चलो आज से करें चलो आज शुरुआत करते हैं और फिर उस पर ध्यान देते हैं पर मैं जानती हूँ कि हम में से हर कई ऐसा महसूस करते हैं कि जो पवित्रता है पवित्रता बहुत ही हमारे लिए स्वाभाविक थी पवित्रता हमारा नेचुरल जैसे संस्कार थी बचपन से ही मैंने सदा यह महसूस किया पहले मैं ये जानती नहीं थी कि पवित्रता का सही अर्थ क्या है लेकिन मैंने सदा यह महसूस किया कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं ना कि जैसे बहुत सुंदर फूल होते हैं और फूलों को टच ना किया हो ऐसे फूल होने चाहिए जो हम बाबा को भी ऑफर करते हैं तो मैं पहले विवेकानंद की किताबें बहुत पढ़ा करती थी जब मैं स्कूल में भी थी तो मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने विवेकानंद के बारे में लिखा तो मैंने बहुत मुझे बहुत ये चीज़ छू गई कि विवेकानंद ने जब ये कहा कि मैं ऐसा फूल बनना चाहता हूं मैं ऐसा फूल बनना चाहता हूँ जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं है और मैं परमात्मा को खुद को समर्पण करना चाहता हूँ ऐसा फल ऐसा फूल ऐसा फल जिसको कभी किसी ने खाया नहीं है फूल जिसकी कभी किसी ने खुशबू नहीं ली तो वो सदा मेरे अंदर जैसे रह गया तो मुझे लगा मुझे भी ऐसा ही फूल बनना है जिसे जिसकी खुशबू किसी और ने नहीं ली सिर्फ परमात्मा के लिए है और मेरे फल मैं ऐसा फल बनना है जिसको कभी किसी ने खाया नहीं माना पवित्रता आंतरिक पवित्रता और अंदर में मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि दिव्यता है मेरे अंदर दिव्यता मेरे संस्कारों में है तो इसका अर्थ ये है कि जब बाबा कहते हैं कि हमारा जो निमित रूप में एक पार्ट है तो बाबा हमें जैसे वरदान देते हैं जिससे क्या होता है कि पवित्रता हमारा संस्कार बन जाता है नेचुरल संस्कार उसमें एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम है स्नेह तो है पर बुद्धि का योग बाबा के साथ है ना कि सिर्फ इतना परंतु एक बल एक भरोसा बस एक बल एक भरोसा ये मेरा स्लोगन रहा है हमेशा तो कई बार भारत में भी जब मैं सेवा के लिए अलग अलग जगह पर जाती थी बहुत छोटी थी तब मैं और फिर उसके बाद अलग अलग देशों में जाने लगी एक देश फिर दूसरा देश और मैंने सदा बाबा से ये कहा कि बाबा आप मेरे साथ ही हो मैं आपके साथ जाती हूँ आपके साथ में जाती हूँ आप और आप मेरा एक बल भी हो मेरा भरोसा तो भी हो मेरा सहारा भी हो तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि एक शब्द होता है ब्रह्मचारी और एक होता है ब्रह्माचारी तो ब्रह्मचारी माना की जब ब्रह्माचारी बोलते हैं माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलना ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया उस पे हम चले तो अब अगर हम देखते हैं कि पवित्रता कैसे मदद करती है योग में हमें जैसे मेरा मेरा स्नेह तो एक के साथ है ना, मेरा प्रेम एक के साथ है और मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने ये अभ्यास किया था कि कुछ भी हो जाए अंदर में कुछ या बाहर में कुछ कहीं भी कुछ हो चाहे कि कोई अच्छी खबर आई हो या कोई परिस्थिति आई हो तो सबसे पहले सबसे पहले मैं बाबा से शेयर करती थी बाबा को बताती थी फिर उसके बाद अगर मुझे अपने बड़ों को बताना है टीम को बताना है अपने साथियों को बताना है वो बाद में पहले बाबा को तो मैंने ये पाया कि जैसे ये मेरा संस्कार बन गया मेरी आदत बन गई स्वाभाविक हो गया कि पहले बाबा को थैंक यू कहना फिर उसके बाद बाबा के पास बताना बात को जो भी बात है तो आज जैसे बाबा कह रहे थे ना कि योगा का सही अर्थ क्या है माना कि पहले सबसे पहले बाबा की याद आए फिर उसके बाद कोई और नंबर पे बाबा तो मैं सोच रही थी कि हाँ पहले पहले मैं सोचा करती थी ओ पहले मुझे दादी को बताना चाहिए इस दादी को बताऊं उस दादी को बताऊं या साथियों को बताऊं सेवा में लेकिन अभी अभी मेरा बिल्कुल बाबा को बताती हूँ मुझे बाबा से बात करनी है बाबा को बताओ फिर किसी और को बताओ तो यही तो बाबा आज बताते बता रहे थे ना इसको कहते हैं अव्यभिचारी सिर्फ एक के बारे में सोच रही है अव्यभिचारी याद तो है तो पवित्रता माना जहां पर मेरा योग एक के साथ है बस एक के साथ और साथ में जो सेवा है जो सेवा मैं करती हूँ वो भी ऐसा है ना कि सेवा जैसे अव्यविचारी याद है अव्यभिचारी प्यार है बाबा के साथ तो ऐसे ही बाबा मुझे यूज करेगा ना सेवा के लिए बाबा मेरा इस्तेमाल करेगा सेवा के लिए हाँ क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ सेवा में तो मोहिनी दीदी कह रहे सर्विस नहीं सेवा सेवा बोलो कई बार कई लोग बड़ा बड़े प्रोग्राम करते हैं ना तो मैं कई बार कहती हूँ मैं मैं बाबा के यज्ञ का ध्यान रखूंगी मैं सेंटर पे रहूंगी और मैं उसमें खुश ही महसूस करती हूँ पर अगर बाबा चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाती हूं, जाती भी हूं। तो ये जो एक गहरा संबंध है पवित्रता का योग और सेवा के साथ तो जब ये आती है ना बात ब्रह्माचार्य क्या है तो तो पहली जो मुख्य बात समझने की है कि बाबा जब कहते हैं ना कि याद रखो तो माना याद एक की एक की याद और उसको कहते हैं स्मृति किसको याद कर रहे हैं हम किसको याद करे कौन है बुद्धि में स्मृति क्या है हमारे तो ब्रह्मा बाबा की जो स्मृति थी वो क्या थी एक के लिए थी उनकी स्मृति सिर्फ एक के लिए थी माना कि उनकी जो याद है वो एक के लिए थी बस उसमें कोई भी और नहीं था कुछ भी और नहीं था अतीत का तो कुछ भी नहीं था पास्ट का कुछ भी नहीं तो बाबा जैसे सफाई की भी बात करते हैं ना स्वच्छता स्वच्छ होना चाहिए सब साफ सुथरा पवित्र और ये बहुत ही प्रत्यक्ष था दिखता था जो शक्ति उनमें थी उसमें कई बार जैसे आप जानते हो ना शुरू में क्या हुआ बहुत ग्लानी भी हुई बहुत कई तरह के परिस्थितियां भी आई लेकिन वो सदा मुस्कुराते रहते थे हर्षित मुख रहते थे क्योंकि उनकी जो स्मृति थी वो बाबा से जुड़ी हुई थी बस तो बाबा उनको शक्ति देते थे हिम्मत देते थे विश्वास देते थे तो उनको लगता था सब ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा ये तूफान है तूफान आया है और चला जाएगा किसी ने कभी नहीं देखा किसी ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि बस हाँ थोड़ा बहुत जैसे कोई शांति में है और शांति में कुछ सोच रहे हैं कुछ उनकी सोच चल रही है बस इतना ही सबने ऐसा महसूस किया कि वो शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है उनका योग है भी संबंध बना हुआ है तो वहां से उन्हें शक्ति मिलती थी हिम्मत मिलती थी तो अंदर में वो बेफिकर बेफिकर रहते थे और उससे क्या था उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनकी स्थिति उनको देखकर ऐसे लगता था बहुत हिम्मत आती थी, थी बहुत शक्ति का एहसास होता था तो वो जो हमारी स्मृति है तो वो बहुत जरूरी है हमारी स्मृति कहाँ पर है तो हम अपनी स्मृति को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते इस बात में उस बात में नहीं तो हम सब हम सब के पास सुंदर लौकिक परिवार भी है और हाँ साथ साथ उसमें तो होता होता है है सम्मान भी होता एक दूसरे के लिए परिवार में पर स्मृति में कौन है स्नेह है, सम्मान है पर स्मृति में सिर्फ बाबा मैंने सदा महसूस किया उनको भी तो शक्ति चाहिए ना और मैं ही वो शक्ति उन सबको दे सकती हूँ तो अगर मेरी स्मृति किसी लौकिक के साथ जुड़ी हुई है इधर उधर है तो मैं कैसे उनकी सेवा करूंगी और मैं ये भी समझती हूँ कि, कि सबको अभी और ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा शुभ भावनाओं की जरूरत पड़ेगी उनको मदद की जरूरत है मुझसे तो ऐसा है ना कि वो पर मैं चाहे बात कर रही हूँ जो भी लेकिन मेरी बुद्धि मेरी बुद्धि में कौन है मेरी स्मृति में कौन है सिर्फ बाबा तो स्नेही बनना ठीक है लेकिन कोई खिंचाव ना हो कोई लगाव ना हो कोई मोह का बंधन ना हो और तो जो हमारी स्मृति की शक्ति तब होगी ना जिसको कहते हैं क्षमता हमारी समर्थी स्मृति की सामर्थी तो ये ब्रह्मा बाबा का 18 जनवरी पे उन्होंने ये बोला था स्मृति की सामर्थी और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो जो याद की शक्ति है वो अव्यविचारी याद एक की बस और कोई नहीं एक और फिर उससे क्या होगा तो वो हमारी वृत्ति को वृत्ति को शुद्ध कर देगा तो हम अपनी हम कुछ कहेंगे नहीं शब्दों से लेकिन हमारी वृत्ति कई बार हमारी वृत्ति ऐसी इतनी पावरफुल होती इतनी शक्तिशाली होती है हमारे शब्दों से भी ज्यादा उसमें ताकत होती है तो वृत्ति की शुद्धि वृत्ति में पवित्रता ये ब्रह्मा बाबा की बहुत विशेषता थी वृत्ति में पवित्रता जो भी पाठ किसी ने बजाया हो लेकिन हमेशा द्रिस्टा, साक्षी दृष्टा साक्षी दृष्टा और सबके लिए शुभ भावना कभी नहीं उन्होंने ये कहा कि ओ ये क्या कर रहे हैं इसको ऐसे करना चाहिए नहीं सिर्फ शुभ भावना और वरदान सबके लिए दुआएं सबको दुआएं और फिर उनकी दृष्टि कैसी दृष्टि थी उनकी 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 आंखें ऐसी दृष्टि ऐसी थी जैसे लाइट लाइट हाउस माइट हाउस हाँ? जैसे कि हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का जैसे बाबा कहते हैं ना एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो तो ऐसे बाबा प्रत्यक्ष में थे और हमारे जो शब्द हो वो शब्द ज्ञान के भरे हुए हो सदा दुआएं देते रहे हमारे शब्दों से दुआएं निकलती रहे सबके लिए और सबके लिए जो हम जिसको सलाह दे उसमें कुछ मूल्य हो उसका सबको जो हम इशारा दे दिशा दिखाए उसमें कुछ मूल्य हो और हमारे जो कर्म है संबंध है संपर्क है सब में स्नेह हो संबंध संपर्क में स्नेह हो जैसे एक एक माली था पांडव भवन में काम करता था बहुत समय से वो पूरा पेड़ों का देखभाल करता था तो कई बार बाबा जब चलते थे तो बाबा भी हर चीज में रुचि दिखाते थे हर हर काम में तो वो भी वहां पे माली के जहाँ काम करता था तो उसके साथ साथ काम करते थे कुछ ना कुछ हर चीज में वो तो बहुत अच्छा उनका संबंध बना हुआ था जैसे उसके साथ तो फिर जैसे फलों को देखते थे पक्षियों को देखते थे आसपास कोई भी पांच तत्व जितने भी हैं प्रकृति के सबको इतना हर चीज का ध्यान रखते थे वो इसलिए पांडव भवन इतना साफ सुथरा दिखता है ना वहां जितने पेड़ हैं पौधे हैं हर चीज का वो ध्यान रखते थे तो ऐसे नहीं कि वो जो माली करता था सब कुछ नहीं ये बाबा भी बहुत ध्यान रखते थे तो जैसे बाबा क्या करते थे हर आत्मा के साथ कुछ बांट रहे हैं पांच तत्वों को कुछ दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि उनमें तो वो पवित्रता थी जिस आधार से उन्होंने सेवा की हमें हमारी सेवा की प्रकृति की सेवा की कितना सुंदर है ना ये so about... तो सोचो इसके बारे में पवित्रता के बारे में for... पवित्रता कैसे हमें योग में और सेवा में दोनों में मदद करती है और फिर तो उसकी गहराई में जाओ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ पवित्र जीवन जीते हैं ब्रह्मचारी हैं नहीं पवित्रता की और भी गहराई है जो कि बहुत जरूरी है समझना महत्वपूर्ण है कई पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी क्या है स्वदर्शन चक्रधारी तो स्व मना स्व आत्मा और दर्शन मना देखना और क्या देखना चक्र में अपना दर्शन करना हमारा पूरा चक्र में क्या रोल रहा तो एक बार दादी ने भी कहा था ना कि आपको ज्यादा ये नहीं सोचना है कि द्वापर युग में क्या किया और कलयुग में क्या किया तो बस ऐसे देखो कि हम संगम पर हैं संगम से हमें घर वापस जाना है और फिर हम सतयुग में आएंगे पर हम क्यों नहीं हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हैं ना तो मेरे लिए इस समय पर वही है पांच स्वरूपों का अभ्यास करना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है स्वदर्शन बना जिससे असुरों का विनाश हो जाए पर उसके साथ साथ और क्या हो उससे कि मेरे अंदर में अंदर में जो बुराइयां हैं कमियां सब खत्म हो जाए अंदर की बुराइयां असुर भी खत्म हो जाए तो कैसे देखना है अपने आप को संगम युग सो सो देवता ब्राह्मण जो फरिश्ता बन रहा है और फिर देवता बनेंगे और फिर उसके बाद मध्य में हमको सिर्फ अनुभव करना है कि हम कैसे पूज्य बने हुए थे ना देवी देवता रूप में जो पूजा हुई हम हम भी हम पुजारी तो थे लेकिन रॉयल पुजारी थे तो भक्ति भी बहुत हमने ईमानदारी से की और रॉयल थी थी उसमें तो जब मैं ये चक्र हम फिराते हैं कि हम क्या थे क्या बन रहे हैं क्या क्या हम अभी हैं और क्या बनना है हमको और फिर उसके बाद ये अनुभव करना बाबा का साथ बाबा की कंपनी बाबा का साथ ही रूप में अनुभव करना पर स्वदर्शन तो चक्रधारी बनना भी बहुत जरूरी है स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या अगर कोई अंश भी है ना विकारों का कोई अंश है तो वो भी खत्म हो जाएगा स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करने से और हम में इतनी क्षमता तो है ना ये सब विनाश करने की और दूसरे के भी अगर व्यर्थ संकल्प हैं विकारी संकल्प हैं तो उनको भी हम विनाश कर सकते हैं तो ये चक्र को फिराना कि मैं क्या हूं और क्या मुझे बनना है और अनुभव करना है बाबा के साथ का तो हम तैयारी कर रहे हैं ना रोज रोज हम तैयारी कर रहे हैं ना तैयार हो रहे हैं सुबह उठते हैं अमृत वेला करते हैं और फिर जैसे हम कहीं भी बैठे तो माना हम तख्त पर बैठे हैं स्वराज्य अधिकारी के और आप देखोगे कि मन बुद्धि संस्कार कैसे सहयोगी बन जाते हैं कैसे सहयोगी बन रहे हैं तो हम ये यात्रा अभी रखेंगे जारी रखेंगे अच्छा ओम शांति कल के होमवर्क के लिए तो गायत्री बहन हमारे साथ है ओम शांति सभी को और मोहिनी दीदी ने जो अभी बताया स्वदर्शन चक्रधारी के बारे में तो वो कल का हमारा श्रेष्ठ संस्कार भी है पर पहले होमवर्क देने से पहले हम मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी तो ये अनुभव पवित्रता के साथ इसका संबंध है तो वो ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं और बाबा ने आज बाबा ने मुरली में भी बोला कि पहली स्थिति हमारी पवित्रता का जो पहली स्थिति होती है वो ब्रह्मचारी की स्थिति है ना लेकिन जैसे भी मोहिनी दीदी ने भी बताया कि हमारी स्मृति में क्या होना चाहिए सिर्फ एक बाबा और बाबा है बाबा का साथ है तो फिर वो ही सच्ची पवित्रता है तो ये जो अनुभव है अनुभव में वो कह रहे हैं कि ये जिन्होंने लिखा उन्होंने कहा कि मेरा ये अनुभव है पिछले हफ्ते की संडे की अव्यक्त मुरली से जब मैं अनुभव कर रही थी जो बाबा ने श्रेष्ठ संस्कार दिया था सफलता के सितारे के बारे में तो वो कह रहे हैं कि मेरी ये जो शेयरिंग है वो दूसरों दूसरे ब्राह्मण को भी मदद करेगी तो सभी फैमिली को आप ये बताएं तो मेरा बहुत सुंदर संडे की शोभा थी मैंने बाबा के साथ और ब्राह्मण फैमिली के साथ जब मुरली की हम मंथन कर रहे थे और दिन में मैं अपने हस्बैंड के साथ युगल के साथ जो ज्ञान में नहीं है उनके साथ किसी के घर में गई तो जैसे ब्राह्मण रूप में तो मैं ब्रह्मचार्य का पालन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड इस चीज को साथ नहीं देते और मेरे दूसरे दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन उस फ्रेंड के घर में ऐसी एक स्थिति आ गई हमारी बातचीत के बीच में जहाँ पे एक प्रश्न आया मेरे दोस्त की तरफ से कि आप बच्चे क्यों नहीं अपने जीवन में चाहते आप अपनी लाइफ में आ, क्या प्लान कर रहे हैं आगे तो मैंने सोचा कि मैं ये इसका उत्तर नहीं दूंगी और मैंने अपने अंदर अपने संकल्पों को चेक किया तो मैंने सोचा कि बाबा क्या इन बातों के बारे में मैं सबके सबके सामने बात करूं क्या ये सही समय है मैंने पवित्रता की बात कभी दोस्तों के साथ नहीं की थी पहले तो मैंने मुझे याद आया कि बाबा और बाबा का संकल्प कि आप सफलता के सितारे हो बाबा मेरे साथ है और ये एक बहुत सुंदर मौका है इन आत्माओं की सेवा करने का तो फिर मैंने उन आत्माओं उनको आत्मिक रूप में देखा और फिर मैंने उनके साथ अपना ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बात करने शुरू की तो पहली बार मैं कह पाई किसी के सामने दोस्तों के सामने ज्ञान के आधार पर पवित्रता की बात तो जैसे मेरे लिए बहुत सुंदर मौका भी था तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं गई उस बातचीत में पर मैंने ये महसूस किया और उनको बताया कि मेरे अंदर जो जो उस समय स्थिति थी और रूहानी मुझे प्राप्तियां हो रही हैं वो भी मैंने उनको बताया तो मैं जैसे उस समय बिल्कुल सफलता के सितारे के स्वरूप में थी स्मृति में थी और मैंने देखा कि बाबा जैसे सूक्ष्म रूप में मेरे साथ है और मेरे मेरे मुंह से वही बात निकल रही थी सही जो शब्द थे और कोई डर नहीं था मुझे और मुझे कोई विघ्न भी नहीं लगा ना कोई मेहनत लगी ऐसे लगा कि यह बहुत सुंदर सीन था ड्रामा में कोई प्रश्न भी नहीं आया और ऐसे भी नहीं कि ये परिस्थिति क्यों आई और किसी तरह की कोई बहस भी नहीं हुई तो ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से कोई चीज खुल गई है मेरे अंदर कुछ अलग तरह की शिफ्ट हुआ है और मुझे लगा कि हाँ मैं अब बात कर सकती हूँ पवित्रता के बारे में ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे मेरे अंदर अब हिम्मत है और और उससे क्या हुआ कि मेरे दोस्तों को जैसे मदद भी मिली और वो समझे कि ओ उनको ये पता नहीं था कि लोग ऐसे ब्रह्मचर्य जीवन भी जी सकते हैं और मैंने उनको उन्होंने देखा मेरी आंखों में एक चमक को और ऐसे उस, उस उस शुद्ध इंटेंशन को मेरे अंदर उस स्थिति को तो आई मैं मैं बाबा का उनको परिचय भी दे पाई इस बारे में तो जैसे ड्रामा कितना कल्याणकारी है बाबा ने कितनी मदद की और बाबा का शुक्रिया गायत्री दीदी आपका शुक्रिया और मोहिनी दीदी आपका शुक्रिया और ये ये सिस्टर श्वेता की बात है मैनहटन सेंटर की तो थैंक यू गायत्री दीदी कह रहे हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने बोला कि मेरा नाम भी आप शेयर कर सकते हो तो कितना सुंदर अनुभव है ना तो हाँ मैं मानती हूँ कि ऐसी बात करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए और देखो उन्होंने कैसे बाबा के ज्ञान के आधार पर आ, सुनाया तो कल की मुरली का अब हम तो कल सात दिसंबर है तो कल का जो शीर्षक है वो है परम पिता और हमारा श्रेष्ठ संस्कार है स्वदर्शन चक्रधारी तो हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए कि तो स्मृति में ये होना चाहिए कि तो जैसे बाबा हमको कह रहे हैं कि आप आप मेरे सिकी लधे बच्चे हो और सिकी लधे बच्चे तो उनको कहते हैं जो बहुत समय से खो गए हैं और अब फिर से पांच हजार वर्ष बाद उनको मैं पाया है और आप बच्चे अभी 5000 साल बाद मुझे मिले हो तो आप बच्चे ही ये समझते हो कि ये पांच हजार साल बाद हम उस, उस पिता से मिले हैं जिनसे हम पांच हजार वर्ष पहले भी मिले थे तो कितना सुंदर है ना कि उन्होंने हमको क्या बनाया है स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो बाबा अभी आए हैं और हमको फिर से तो बाबा हमको ये महसूस करा रहे हैं कि आत्मा के कि चौरासी जन्मों का पूरा पार्ट आत्मा में हमने कितने चौरासी पुनर्जन्म लिए हैं और तो ये सिर्फ सिकिलदे बच्चे ही समझ पाएंगे तो कितना सुंदर है ना तो ये वो स्मृति है जो हमको कल रखनी है तो हमारे मन तो अपने मन को एक रस बनाने का साधन क्या है ये हमें चेक करना है कि अपने मन को हम कैसे एक रस बना के रखें कि पास्ट का कुछ भी चिंतन नहीं करें पास्ट का अतीत का कुछ भी चिंतन नहीं करें सदा याद रखो कि जो सेकंड पास हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था तो अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है इसलिए जो बीत गया एक सेकेंड पहले भी जो बीत गया वो बीत गया तो किसी बात की चिंता नहीं करो किसी भी बात की चिंतन नहीं करो चिंता नहीं करो तो हर सेकेंड जो बीत गया तो हर सेकेंड जो बीत गया उसको कैसे देखना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना यही है ना तो आपकी बुद्धि में जो परखने की शक्ति है निर्णय करने की शक्ति है उसको क्या करना है तो मेरे बुद्धि की दिशा क्या है अभी मेरे बुद्धि किस दिशा में जानी चाहिए तो आप उसका परिवर्तन कैसे करो कि मेरी अगर बुद्धि गलत दिशा में जा रही है तो फिर आप सोचो कि बाबा यहाँ बैठे हैं और देखो कि पूरा विश्व का साइकिल कैसे चल रहा है तो उन्होंने हमें कैसे बताया है कि आपने कैसे सतयुग में फिर उसके बाद त्रेता में आए फिर जन्म लिया और अभी आप संगम युग पर हो और आप अभी कहा जा रहे हो आप अभी चढ़ती कला में हो आप अभी उड़ती कला में हो तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना सिर्फ ऊपर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो आप फिर उसके बाद एलिवेटेड जो हमारा श्रेष्ठ संस्कार है आज का स्वदर्शन चक्रधारी तो क्या चेक करना है उसमें आपने अगर लक्ष्मी नारायण यहाँ पर हो तो उनका राज्य कैसा होगा तो उनका राज्य कैसा होगा तो बाबा हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को टच कर रहे हैं अगर लक्ष्मी नारायण यहाँ पर हो तो क्या होगा उनके जो पैलेस होंगे महल होंगे उनका जो बगीचा होगा वो कितना बड़ा होगा वहाँ तो वहां पर कित, ना कोई गरीबी होगी ना डर होगा फूल कैसे होंगे सदा खिले हुए फूल होंगे कोई कांटा नहीं होगा और uh, कोई जलने की लकड़ी जलना ये सब कुछ नहीं होगा वहाँ उस बगीचे में खुशबू ही खुशबू होगी हवा बिल्कुल साफ होगी और जैसे झरने बह रहे होंगे और स्वर्ग में इतनी सुंदरता होगी राजकुमार राजकुमारी होंगे और हम महसूस कर सकते हैं कि वहां आत्माएं कैसी होंगी और, और अब हमारी स्मृति में ये रहे कि हम पहले स्वर्ग में थे फिर हम नीचे आ गए और फिर हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम वहां कैसे जाएंगे सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तो बहुत सुंदर मुरली है कल की तो और अपने अपने तीनों जो ये सहयोगी साथी हैं मन बुद्धि संस्कार इनको ये ये महसूस कराएं कि कैसा होगा सतयोग और बाबा कह रहे हैं कि आप महसूस करो और उन सब संस्कारों को अनुभव करो तो आप लोग कल की मुरली बहुत एंजॉय करना आनंद लेना उसका बहुत अच्छी मुरली है acha a chuva